एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विनय एंडेशा। सो क्या आप एक न्यू मॉमी हैं और क्या आपको कभी कभी दिक्कत होती है, आप ट्रैवल करते हो, आप आपके बेबी को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पाते हो या फिर कभी कभी लैचिंग इश्यूज होते हैं? सो आई हैव गॉट वन सोल्यूशन फॉर यू। आज के वीडियो में मैं आपको पूरा रिव्यू देने वाली हूँ अबाउट ब्रेस्ट पम्प, इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प, विच इज़ फ्रॉम पम्प टू क्रैडल, एंड इट्स ऑसम प्रोडक्ट। अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है या फिर आप 6 months के बाद मैटरनिटी लीव खत्म हो गई है, अभी आपको जॉब पे जाना है, यू कैन जस्ट पम्प एनी वेयर, वेर एवर यू वॉन्ट एंड वेन एवर यू वॉन्ट। सो ये काफ़ी हैंडी है एंड यू कैन कैरी इट वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, वेदर इट इज़ फॉर ट्रैवलिंग और इट इज़ फॉर वर्क पर्पज और या फिर आपको आपका वर्क जो है आपको ईजी करना है, सो यू कैन डू इट। सो लेट्स सी द प्रोडक्ट नाउ। So guys, this is the box which I got it and packaging is really awesome. I would give 10 on 10 for packaging. So now, अभी से खोलते हैं हम। So सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें निकाल दी है। ये है हमारा पम्प जो हमें यूज़ करना है। So ये हम निकाल भी सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी डिटेल में ये पूरा एप्लीकेशन। तो सबसे पहले इसके अंदर एक वारंटी कार्ड भी मेंशन्ड है। सो ये वारंटी कार्ड हमेशा संभाल के रखना। के लिए उन्होंने ब्रश दिया है, अगर आपको क्लीन करना है तो आप इजीली कर सकते हो। और उसी के साथ साथ ये भी उन्होंने मेंशन किया है, ये जो है उन्होंने वायर्स दिए हैं। सो ये चार्जेबल है, लाइक हम चार्ज कर सकते हैं इसे। और ये कुछ एक्स्ट्रा ट्यूब्स उन्हें दिए हैं जो हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर साइज़। ये जो है अकॉर्डिंग टू योर साइज़ इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चार्जिंग पॉइंट बता देती हूँ। हमेशा यूज़ करने से पहले हाफ एन आवर एटलीस्ट चार्ज कर देना, इट शुड बी फुल। यहाँ पे एक फुल हो जाएगा ना तो 4 dots आ जाएंगे, तो उसकी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हो, आपको क्लिक करना है पावर बटन पे। तो जैसे ही हम पावर बटन पे क्लिक करते हैं, ये हमारा ब्रेस्ट पम्प जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और अभी नेक्स्ट हमें ये करना है कि प्रेशर कितना चाहिए, माइनस मतलब कम, प्लस मतलब ज़्यादा। और फिर उसके बाद जो फ्लो ऑप्शन है वो आप स्टार्ट कर देना और पंप अपना काम स्टार्ट कर देगा। सो गाइस, राइट नाउ आई एम वेयरिंग द ब्रेस्ट पम्प एंड इट्स डूइंग इट्स वर्क। मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है, इट्स रियली गुड। सो मैं आपको रिजल्ट भी बताऊँगी कि कितना टाइम मुझे लगा, कितना ड्यूरेशन मुझे लगा और कितना क्वान्टिटी मैं कलेक्ट कर पाई। ओके, सो टाइम हैज स्टार्टेड नाउ। शो यू विनीशा क्या कर रही है। गाइस, अभी 10-15 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं और 10-15 मिनट्स में 30 ml कलेक्ट हो गया है। यस, 30 ml कलेक्ट हो चुका है और अभी मैं और 15 मिनट्स रख के देखने वाली हूँ कि और 15 मिनट्स में कितना कलेक्ट होता है। सो मैं वापस स्टार्ट करूँगी और मैं वापस आपको उसका रिजल्ट भी बताऊँगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। मैं अभी फटाफट किचन के सारे काम फटाफट करने वाली हूँ। सो यूटेंसिल से कुछ वो फटाफट साफ़ करने वाली हूँ और फिर उसके बाद मैं वापस मेरा काम करूँगी। आपको तो पता है मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो विनीशा लाइक एवरी टाइम शी स्लीपिंग लाइक अ बेबी। और तब तक आपको तो पता है न्यू मॉम्स कितना फास्ट काम करने लग जाती है जैसे बेबी सो जाता है, राइट? सो मैं भी वही कर रही हूँ। ओके, बहुत बात कर रही हूँ, अभी मैं जाती हूँ फास्ट फास्ट काम करने के लिए। स्टे ट्यून्ड गाइस। Let me show you what is the result right now.